इतनी निर्दय नहीं हूं दीदी, मैं तो किसी तरह झेल लूंगी, लेकिन अगर मैं बोल देती तो मन की पत्नी पर क्या गुजरती। दीदी मेरा घर संसार मेरी दुनिया तो उजड़ी चुकी है, मैं नहीं चाहती कि किसी और का घर संसार उजाड़ो। कुंती दीदी ये बात कैसी कैसी बातें किया करता था, कैसे कैसे सपने दिखाया करता था मुझे। शादी हो जाएगी ना तो मैं एक पल के लिए भी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अच्छा इसका मतलब तो मुझे काम पर भी नहीं जाने दोगी? भाई अगर मैं काम पर नहीं गया तो फिर पैसे कौन कमाएगा और फिर हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या? मुझे खाने पीने किसी की भी परवाह नहीं है, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। चलो अच्छा मान लिया कि तुम मेरे साथ और मेरे प्यार के सहारे जी लोगी, लेकिन हमारे बच्चे होंगे उनका क्या? बच्चे? तुम्हें बच्चे पसंद है? भाई अब शादी करेंगे तो बच्चे तो होंगे ना? नहीं पहले तो मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हें बच्चे पसंद है? हाँ बहुत पसंद है मुझे बच्चे, और इतने पसंद है कि मैंने सोच रखा है कि हम लोग शादी के बाद बच्चों की एक फौज इकट्ठा करेंगे। फौज? क्यों उस फौज को युद्ध में भेजना है क्या? अरे नहीं पता है मैं क्या चाहता हूँ, शादी के बाद हम लोग घर से बाहर निकलें तो 10 बच्चे आगे 10 बच्चे पीछे कुछ इधर और कुछ उधर। अच्छा। देखने वालों को लगना चाहिए कि भाई एक परिवार जा रहा है। मुझे परिवार चाहिए, जुलूस नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा एक बात बता, तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी? बेटा। बेटा क्यों? बेटा क्यों? अब इस बात का मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? हाँ देखो बेटा जो है आखिरकार बेटा होता है, अंत में माँ बाप के वही काम आता है, बेटियों का क्या है, शादी के बाद वो किसी और के घर चली जाती है। अच्छा पता है मैं बेटे का नाम क्या रखूंगा? क्या? राम प्रसाद। अच्छा नहीं राम बिहारी कैसा रहेगा? छी मुझे मुझे कोई नया नाम चाहिए आज के जमाने का। ओहो तुम नाम के पीछे क्यों पड़ी हो अभी से, जब बच्चा होगा सोच लेंगे। नहीं मुझे अभी से सारी तैयारी कर लेनी है। तुम क्यों फिकर करती हो कुंती, मैंने सब दिमाग में सोच रखा, पता है हमारा बच्चा जो होगा वो लाखों में एक होगा जिसे देखकर लोग हैरान हो जाएंगे। और पता है मैं उसे यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उसे पढ़ने के लिए विदेश भेजूंगा। तुम्हारा बेटा विदेश में ही पढ़ रहा है, जैसा तुमने चाहा वैसा ही हुआ, लेकिन हम तीनों ही माँ बाप बेटा एक दूसरे से दूर हो गए हैं, बहुत दूर। मन क्या हम कभी मिल पाएंगे या नहीं? कुंती आज फिर बचा लिया तूने अपने उस धोखेबाज मन को, तो क्या करती? इतने बरस बाद उसे सामने देख के तेरा मन नहीं किया कि उसका मुंह नोच लू? प्रभा उसे अपने सामने देखकर तो मैं अपनी सुदबुद्धि खो बैठी, एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही मन है जिसके लिए मेरा दिल तड़पता था, जिसकी सांसें मुझ में बसती थी, जिसे मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया। क्या सचमुच उसे देख के तुझे ऐसा नहीं लगा कि उस
से बदला ले लूं? बदला? उससे बदला लेने से क्या मुझे मेरी जिंदगी, मेरा बच्चा वापस मिल जाएगा? अरे बच्चा तो बात की बात है, उसने तेरे प्यार तेरे जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, तेरे भोलेपन का फायदा उठाया है, अपमान किया है तुम्हारा। जिस अपमान को इतने बरस तक सहन कर लिया तो अब क्या? तो अब क्या? अब तेरी सारी तकलीफें खत्म हो गई है क्या? जो इस तकलीफ का कारण है तू उसे छोड़ कैसे सकती है? क्या तूने उसे माफ कर दिया है? माफी तो उसे भगवान भी नहीं दे सकता प्रभा। तो फिर तूने उसे जाने क्यों दिया? तेरे पास अच्छा मौका था, बाबूजी के सामने तो उसको गालियां देती, धिक्कारती, कम से कम उन्हें पता तो चल जाता। पता चल जाता तो क्या होता प्रभा? क्या बाबूजी मेरी बात पर यकीन कर लेते? क्यों नहीं, कोई भी बाप उस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसने उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। तुझे किसी बात का डर है क्या? डर? अब किस बात का डर है? और वैसे भी ये बात किसी से छिपी है क्या? लेकिन वो तो छिपा फिर रहा है ना बेदाग। तेरे इस छुपी का कोई फायदा नहीं कुंती। फायदा और नुकसान व्यापार में देखा जाता है प्रभा, प्यार में नहीं। जिसे तू प्यार समझती है वो धोखा है, फरेब है, चालाकी है। उसे जो कुछ करना था वो कर चुका है, अब मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं प्रभा। और वैसे भी उसे गालियां देने से या भला बुरा करने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना। मैंने सबको सुन लिया है कुंती, तेरे खामोश रहने से ही वो गुनेगार बचा हुआ है। तेरे बाबूजी तक उसकी इज्जत करते हैं, अब उन्हें कौन बताएगा कि ये वही मन है जिसने उनकी बेटी की इज्जत लूटी। अब मुझे इज्जत मान मर्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ अपना बेटा। उसे देख के तेरे मन में कुछ भी महसूस नहीं हुआ? नफरत तक पैदा नहीं हुई? नफरत तो इतनी हुई कि इसने मुझे पत्थर का बना दिया। आज मिला था मुझे तो मैंने उसकी आंखों में डर देखा। उसे डर था कि कहीं मैं कुछ बोल न दूं, इसलिए फिर से कसम याद दिला गया। क्या? हाँ, क्योंकि वो जानता है कि वो गलत है और उसे इस बात का भी भरोसा है कि मैं मरते मर जाऊंगी लेकिन अपनी कसम नहीं तोड़ूंगी। तेरी जगह मैं होती ना तो आज उसे बच के जाने नहीं देती। बच के निकल जाना उसकी पुरानी आदत है प्रभा, मुझे आज भी याद है। अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? जी मैं वो टिफिन लेने आया था। ढाई घंटे पहले तू डिस्पेंसरी से निकला था और अभी तक टिफिन तैयार नहीं हुआ है। तेरा इंतजार करने के बाद मुझे आना पड़ा। मैं क्या करता बाबूजी, वो टिफिन तैयार नहीं हुआ था। क्यों कुलदीप? कुलदीप जी। बाबूजी मन क्या कह रहा है, टिफिन तैयार क्यों नहीं किया था तूने? बताती क्यों नहीं कि खाना बनाने में देर हो गई थी। खाना बनाने में तुम्हें देर हो गई थी ना। चुप रह। ये गुंगिया जो बोल नहीं सकती, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकती। हाँ बाबूजी आज थोड़ी देर हो गई। हाँ ध्यान रहता है तेरा, घर के काम काज में मन नहीं लग रहा क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है बाबूजी। फिर क्या बात है, होश में रह के काम किया कर। सब चीजें तैयार थी, वो सब्जी जल गई थी इसलिए उसे दोबारा बनाने में थोड़ी देर हो गई। और देर हो रही थी तो मुझे फोन नहीं कर सकती थी? और इसे इसे यहाँ बैठाने की क्या जरूरत थी? वहाँ डिस्पेंसरी में कितना काम होता है। और तू, तुझे कुछ अकल है कि नहीं? बाबूजी मैंने तो कहा था, पर कुंती ने कहा कि थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा तो मैं रुक गया। कुंती ने कहा और तूने मान लिया और फौरन जा डिस्पेंसरी। नॉर्मल पेशेंट आए तो देख कर दवा देना। जी। और कोई पुराना पेशेंट हो तो पर्ची देख के दवा देना। जी मुझे मालूम। अरे मालूम तो है लेकिन होश नहीं रहता तुझे। और उस दिन की तरह गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि बाद में शिकायत का मौका मिले। जी नहीं होगी। और कोई इमरजेंसी हो तो मुझे फोन कर लेना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं आराम करूंगा। ये चलता हूं। अब तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है, चल खाना लगा। जी।
पता प्रभा, ऐसे में मैं क्या शिकवा शिकायत करूं जब मन की आत्मा ने उसे धिक्कारा नहीं, जब समाज के सामने उसने अपने बच्चे अपने प्यार को स्वीकार नहीं किया, तो फिर किस मुंह से मैं उसे कटघड़े में खड़ा कर दूं? तेरे इस तरह से चुप रहने से उसे कोई सजा नहीं मिलने वाली। अगर मेरा प्यार मेरी भावनाएं सच्ची हैं, तो उसे सजा जरूर मिलेगी। कब मिलेगी? वो तो शादी करके मस्ती से जी रहा है और तुझे यहाँ छोड़ दिया है पूरी जिंदगी झुलसने के लिए। ये तो मैंने ही चाहा, ये रास्ता मैंने ही चुना, वरना तो मैं आत्महत्या भी कर सकती थी। आत्महत्या करने में कोई समझदारी नहीं थी। अगर मैं जी रही हूँ तो इसमें मेरा निजी स्वार्थ है। हम सब लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, हम जीते हैं तो सिर्फ अपने मतलब के लिए। तेरी बात सही है, लेकिन तू मन के मामले में जो चुप रही ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। इस तरह तो ऐसे धोखेबाज लोगों को बढ़ावा मिल जाएगा। मैं तुझसे पूछती हूँ प्रभा, तुझे भी तो किसी ने धोखा दिया, तो तूने क्या कर लिया? अरे वो आज तक नहीं मिला मुझे, जिस दिन मिल जाएगा ना, ऐसी हालत करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। नहीं होता प्रभा, जिसे कभी प्यार किया हो, चाहकर भी दिल उसे बद्दुआएं नहीं देता। जिससे नफरत है उसे कैसी हमदर्दी? और फिर यहाँ तो किसी को पता नहीं कि मन ने तेरे साथ खिलवाड़ किया है। पता हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जिंदगी तो नहीं बदल जाएगी। सब कुछ पता होने पर भी चुप्पी साधने की आदत होती है प्रभा। सरला दीदी को भी तो पता है कि मेरा बेटा कर्ण कहाँ है, वो भी तो नहीं बताती। उनका भी तो अपना स्वार्थ है। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। सरला दीदी तो मन के बारे में भी जानती है, तो क्या उन्होंने मेरी मदद की? ऐसी हालात में मैं चुप हूं तो सिर्फ अपने बेटे की खातिर। बस मुझे मेरा बेटा मिल जाए, फिर मुझे अपनी जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। आइए आइए सूरजमल जी, आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, बैठिए। सर अभी तक मैं ये नहीं जान पाया कि अचानक मुझे क्यों बुलाया गया। सूरजमल जी, आप नवजीवन महिला आश्रम के चेयरमैन हैं, मुझे उस आश्रम के बारे में पूछताछ करनी है। कैसी पूछताछ? क्या आपको उस आश्रम के बारे में किसी तरह की शिकायत मिली है? शिकायत ही समझी, लेकिन मेरी जानकारी में आश्रम में कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसकी शिकायत आपको की जाए। हो सकता है आपको बात पता चली हो, लेकिन आपने उसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया हो। ऐसा कोई मामला मेरे सामने आया नहीं है बेगम साहिबा। सूरजमल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके आश्रम में जो गोद देने की रस्म होती है, ये बच्चे की माँ की मर्जी के खिलाफ होती है? उससे पूछा नहीं जाता? क्यों नहीं सर, पूछा क्यों नहीं जाता? किसी माँ से अपना बच्चा जबरदस्ती थोड़ी छीन लिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ है, बच्चा जबरदस्ती छीना गया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है? जहाँ तक मुझे पता है सर, ये काम बकायदा आश्रम में आने वाली औरतों की सहमति से ही होता है। वो खुद अपने हाथों से सिग्नेचर करके आश्रम को ये अधिकार देती है कि उसका बच्चा किसी को भी गोद दिया जा सकता है। लेकिन आश्रम के कानून कायदों के खिलाफ भी काम हो रहा है, और इसकी जिम्मेदारी आप पर है। बेगम साहिबा, मैं चेयरमैन जरूर हूँ, लेकिन वहाँ के कामकाज की जिम्मेदारी वहाँ की इंचार्ज सरला पर है, वही सब कुछ संभालती है। मेरे लिए परेशानी ये पैदा हो गई है कि पिछले कई सालों से आपके आश्रम में जो गोद दिलाई की रस्में हुई है, वो मेरे हाथ हुई है। इसमें परेशानी की क्या बात है सर, मैं कुछ समझा नहीं। सूरजमल,
अगर कोई आकर कहे कि मैंने अपने हाथों से किसी का बच्चा छीन कर किसी दूसरे को दे दिया है, ये परेशानी की बात नहीं है? सर, उन औरतों का कोई दीन ईमान तो है ही नहीं। न जाने कहां का पाप लेकर वो औरतें आश्रम में चली आती। मिस्टर सूरजमल, माइंड योर लैंग्वेज। आप ऐसी कोई बात ना करें। हम यहाँ उन औरतों के पाप और उस पर डिस्कशन करने के लिए नहीं बैठे। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, लेकिन सच्चाई यही है कि वो औरतें इस आश्रम में इसलिए आती है उन नाजायज बच्चों को जन्म दे और उन बच्चों से उन्हें छुटकारा मिल जाए। जी नहीं, यहाँ गलत है आप। हर माँ अपने बच्चे से छुटकारा नहीं चाहती है। आप किस औरत और उसके बच्चे की बात कर रहे हैं? कुंती और उसके बेटी। कुंती, आप जानते हैं उसे? हाँ, बेचारी बहुत परेशान है सर। आश्रम में भी रोती हुई दिखाई देती है। हमें उसके बेटे का पता चाहिए, उसे कौन और कहाँ लेकर गया है। बेगम साहिबा, मुझे भी कुंती से बहुत हमदर्दी है। मैंने भी कई बार सरला से उसके बेटे के बारे में पूछताछ की, लेकिन वो बताने को तैयार ही नहीं है। आप उस आश्रम के ट्रस्टी चेयरमैन हैं। मैं ये जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ कि आप कुंती के बेटे के बारे में पता करके मुझे खबर दें। तक तो सरला ने मेरे पूछने पर भी नहीं बताया, फिर भी आपके कहने पर मैं पता लगाने की कोशिश जरूर करूंगा। जरा जल्दी, कुंती काफी दिनों से भागदौड़ कर रही है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मैं सरला से पूछकर आपको इन्फॉर्म करूंगा। नमस्कार।